8 दिन के नवजात की जान बचाने अपनाई ब्लड एक्सचेंज प्रक्रिया। 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद मिला नया जीवन। बालाघाट जिले में पहली बार हुआ ऐसा जटिल उपचार। पूजन सामग्री विसर्जन करने गई महिला की नहर में गिरने से मौत। और 3 सप्ताह बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने से भाजपाइयों में आक्रोश। 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिला अस्पताल में पीलिया से गंभीर रूप से ग्रसित महज 8 दिन के नवजात बालक को ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से उपचार देकर उसका जीवन सुरक्षित किया गया। ये प्रक्रिया एकदम जटिल होने के साथ ही जोखिमपूर्ण भी थी और यहाँ के सीमित संसाधनों वाले जिला अस्पताल के लिए एकदम पहली बार थी, जिससे जोखिम का प्रतिशत और भी ज्यादा था। लेकिन जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ और SNCU प्रभारी डॉक्टर निलय जैन और उनकी 7 सदस्यीय स्टाफ नर्सों की टीम ने जोखिम उठाते हुए ये उपचार किया और पूरी टीम की मेहनत रंग लाई और बालक पूरी तरह स्वस्थ होकर आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस संबंध में आज डॉक्टर की टीम ने पत्रकारों को बताया कि उक्त बालक पीलिया से गंभीर रूप से ग्रसित था। पीलिया का प्रतिशत हर दिन बढ़ता जा रहा था, उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। डॉक्टरों के प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में शिशु रोग विशेषज्ञ और SNCU प्रभारी डॉक्टर निलय जैन ने जोखिम उठाते हुए ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया अपनाई। 4 घंटे तक चली इस प्रक्रिया के बाद नवजात बच्चे को नया जीवन मिल सका। ये पहला मौका है जब जिला अस्पताल में ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया अपनाकर किसी नवजात की जिंदगी बचाई गई हो। आज गुरुवार को बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब वह 22 दिन का हो गया है। आपके सामने एक बच्चा है जिसका हम लोगों ने एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पहले बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको बहुत ज्यादा झटके आने लगे थे और उसके दिमाग में पीलिया का असर होने लगा था। उसका पीलिया 32-34 हो गया था। उसकी हालत खराब थी, उसे बाहर जाने की सलाह भी दे दी गई थी लेकिन वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर यहीं जो कुछ करना यहीं करने की अपनी जो है कंसेंट दे दी थी। उसके बाद हम लोगों ने इसका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का जो है डिसीजन लिया और एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है बहुत जटिल प्रक्रिया होती है जो कि बालाघाट जिले में आज तक कभी भी नहीं हुई। बच्चा आप लोग देख रहे हैं कि आज आपके सामने है, पूरी तरह स्वस्थ है बच्चा और अब हाथ पैर चला रहा है, दूध पी रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है बच्चा। ना इसको अभी झटके आ रहे हैं और बच्चा आँख खोल के देखता है, दूध पीता है, जैसा नॉर्मल बच्चा है वैसी है। बच्चे को हम ले जाना चाहते थे, उस बच्चे को हमारे निलय जैन सर ने नया जीवन दान दिया। आप कुछ कहना चाहते हो? सर हमारे लिए सबसे ज्यादा भगवान। बच्चा अच्छा है, खुश हो, बढ़िया। घर में की गई पूजा के बाद पूजन सामग्री विसर्जन करने गई महिला की वारासिवनी के ठूडी नहर में डूबने से मौत हो गई, जहां उसका शव गुरुवार की सुबह वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा झलीखेड़ा के बीच देखा गया, जहां एक दूध बेचने जा रहे युवक द्वारा नहर में महिला की बहती हुई लाश देखी गई, जिसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तत्काल सूचना पुलिस को दी गई, जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से नहर में बह रहे शव को बाहर निकाला और महिला की शिनाख्त में जुट गई। महिला की पहचान वारासिवनी वार्ड नंबर 14 निवासी सुनीता रूसिया के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा परिवार वालों के बयान दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वारासिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम रेंगाटोला स्थित भाजपा पदाधिकारी गौरव श्रीवास्तव के फार्म हाउस में 1 अगस्त को हुई आगजनी और चोरी की घटना के 3 सप्ताह बाद भी आरोपियों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने और आरोपियों को नहीं पकड़े जाने पर भाजपा पदाधिकारियों ने आक्रोश जताते हुए आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि 1 सप्ताह में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती तो अपने परिवार के साथ 5 सितंबर से धरना प्रदर्शन करेंगे। सबको ज्ञापन देने के बावजूद भी मेरा अभी तक कोई भी मेरे प्रकरण का निवारण नहीं हुआ है और अभी तक अपराधियों की पतासाजी नहीं चल पाई है, जबकि मेरे द्वारा संभावित अपराधियों के नाम भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाए गए हैं, उसके बाद भी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे मैं और मेरा परिवार बहुत आहत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा हम लोग सभी यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने यहाँ पर आदरणीय SP महोदय को फिर पुनः ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि 7 दिन के अंदर आप कार्रवाई करें। अगर 7 दिन के अंदर यह कार्रवाई नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा आगामी 5 सितंबर से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठने की कार्रवाई। हमारे युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष भाई मोनू श्रीवास्तव जी के फार्म हाउस में जो आगजनी हुई है, जिसमें अज्ञात लोगों द्वारा और जिन पर शक है पुलिस को उनसे अवगत करा दिया गया है उनके नामों से, अगर 7 दिनों के भीतर उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती
तो हम सभी को इसके लिए आंदोलित होने के लिए विवश होना पड़ेगा। आज हमने पुलिस अधीक्षक जी से मिलकर अपनी पूरी बात हमारे सभी वरिष्ठ नेतागणों की उपस्थिति में रख दी है। लालबर्रा में स्थित विश्राम गृह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा और खमरिया की संयुक्त बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों को यूरिया, डीएपी, अन्य खाद नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खरीफ की लगी धान की फसल प्रभावित हो रही है। साथ ही डीजल, पेट्रोल, तेल, रसोई गैस सहित अन्य वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि की गई है, जिससे महंगाई चरम सीमा पर है। इन सभी मांगों को लेकर कांग्रेस के द्वारा भाजपा सरकार के विरोध में आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 1 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा और खमरिया कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में महंगाई के विरोध और खाद की कमी को लेकर लालबर्रा बस स्टैंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा की गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार किसान आज खाद को लेकर परेशान है, खाद, यूरिया, टीएटी, एक और मध्य प्रदेश की सरकार अन्न उत्सव मना रही है और जहाँ वहाँ किसान आज उस अन्न के उत्पादन के लिए, खाद्य के लिए तरस रहा है, लेकिन इस मध्य प्रदेश की सरकार के कानों में जू नहीं रह रही है। इसी के तारतम्य में जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से संपूर्ण जिले के अंदर में किसानों के हितों की लड़ाई को लड़ने के लिए धरने आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। लालबर्रा के अंदर भी 1 तारीख को किसानों की किसान रैली, ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और इस रैली के पश्चात में धरना आंदोलन दिया जाएगा। 14 सूत्री मांगे हैं हमारी। अभी तो सबसे पहले हमारी मांग है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया, डीएपी, जिले की सभी सोसाइटी में खाद की कमी है। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा निरंतर चरमबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। अभी परसों रजेगांव में हुआ, कल हमारा आंदोलन कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में डोंगरमाली वाराणसी में है और 1 तारीख को लालबर्रा में आंदोलन रखा गया है। उसके साथ जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और जो महंगाई है, जो भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है जो जनता से जो लूट कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग कांग्रेसी रोड पर उतर के आंदोलन। क्षेत्र में जन्माष्टमी पर्व प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के मद्देनजर कुम्हारों, मूर्तिकार भगवान कृष्ण की प्रतिमाओं को तैयार करने के लिए 1 माह पहले से जुट जाते हैं, जिनके द्वारा आकर्षक प्रतिमाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है और बिक्री के लिए दुकानें भी सजाई जाने लगी हैं। मैकेपार में भी मूर्तिकारों के द्वारा भगवान कृष्ण की आकर्षक प्रतिमाओं को तैयार कर बिक्री के लिए दुकान लगाई गई है। मैकेपार से 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कंधन गांव निवासी विजय सोनवाने ने महकेपार में भगवान कृष्ण की आकर्षक प्रतिमाओं को तैयार कर बिक्री के लिए दुकान पर रखा है। चर्चा में मूर्तिकार सोनवाने ने बताया कि उनके द्वारा भगवान कृष्ण की रंग बिरंगी आकर्षक 70 मूर्तियों का अंतिम रूप देकर बिक्री के लिए दुकान लगाई गई और प्रतिमाओं की बिक्री को देखते हुए मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। कितनी मूर्ति बनाए कम से कम? 70 ही बनाए। 70 मूर्ति बनाए? एक मूर्ति बनाने में लागत कितनी लग जाती है कम से कम? एक मूर्ति को अपने को छोटी मूर्ति है तो 40-50 रुपए की लागत है उसको। 50 रुपए की लागत है उसमें। छोटी मूर्ति बनाने में 70 रुपए की लागत लग रही है, बड़ी मूर्ति में? बड़ी मूर्ति में 200 के ऊपर ही लगता है। बड़ी मूर्ति में 200 रुपए लग रहा है। फिर भी कितनी मूर्ति बनाए? कितनी मूर्ति बनाए? 70 मूर्ति। 70 मूर्ति अभी कुछ बिकी बिकने को है? अभी बिकने को है। उकवा रेंज ऑफिस चौक से बस स्टैंड उकवा तक आवारा पशुओं की घमा चौकड़ी जगह जगह देखी जा सकती है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवारा पशु बीच सड़क में बैठे रहते हैं, जो गाड़ियों के हॉर्न बजाने के बाद भी सड़क से नहीं हटते। पिछले कई सालों से इस रोड का यही हाल है, जबकि पूर्व में भी कई बार इसी सड़क पर मवेशियों के साथ कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके मवेशी मालिक अपने मवेशियों की कोई खोज खबर नहीं लेते और ना ही ग्राम पंचायत या पुलिस की तरह से कोई ठोस कार्रवाई की जाती है, जिससे मवेशी मालिक अपने मवेशियों को व्यवस्थित ठिकाने पर रखें। कटंगी क्षेत्र के तेजस्विनी के अंतर्गत आने वाले समूह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विलय करने और समूह की महिलाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य केशव बिसेन और कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में समूह की महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंची महिलाओं ने बताया कि समूहों का पंजीयन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से हुआ था, लेकिन अचानक नवंबर 2019 से हमारे समूह को तेजस्विनी परियोजना में स्थानांतरित कर दिया गया है। जब से समूह को कोई कार्य नहीं मिल रहा है, न सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि समूह की महिलाओं को रोजगार दिया जाए। और हम लोग यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, इतनी सारी महिलाओं का ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं कलेक्टर महोदय को, और वो ज्ञापन का मैटर ये है कि जो तेजस्विनी और NRLM हुआ करता था, उसके NRLM में जो महिलाएं पहले कार्य कर रही थी, अब वो तेजस्विनी में उनको कन्वर्ट कर दिया गया है पिछले 1.5-2 सालों से, और ये महिलाएँ सभी अपना रोज़गार मांगने के लिए आई हुई हैं।
रोजगार से मतलब ये है कि जो NRLM में जो सुविधाएं मिल रही थी वो अब तेजस्विनी में करने की उससे हमको नहीं मिल रही, ना ही पंजीयन मिल रहा है, ना बैंकों में कोई अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं NRLM में पंजीयन, और ये सारी महिलाएं NRLM के तहत रजिस्टर्ड हैं। इन महिलाओं को चार चार दिन का दूसरे जिलों में ले जाकर के प्रशिक्षण भी दिया गया है और अब इनको रोजगार के नाम पर गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। और ये अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ही आज ज्ञापन लेके सारी महिलाएं आज पहला ज्ञापन इन्होंने दिया है, ये देना चाहती हैं। और इसके बाद अगर इनका इनको रोज़गार नहीं दिया जाता, इनकी मांग ये है कि इनको या तो जो तेजस्विनी कार्यक्रम है उसको चालू करके इनको रोज़गार से जोड़ा जाए, नहीं तो जैसा पहले ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए थे पुनः उसी मिशन से इनको जोड़ करके और जैसा इनका पहले रोज़गार चल रहा था उसी तरीके से इनके रोजगार को पुनः यथावत चालू करा जाए। ग्राम विकास संघर्ष समिति गुनाड़ी समेत आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और बैनगंगा संगम घाट में उच्च स्तरीय पुल निर्माण समेत चार सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसके पूर्व समिति के द्वारा आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और सांसद ढाल सिंह बिसेन को भी ज्ञापन दिया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि चार सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास संघर्ष समिति का गठन किया गया है। हमारे छह गाँव के लोगों की ये मांग है, हम लोगों ने चार बिंदुओं पर एक समिति का गठन किया है छह गांव के लोगों ने। इसी मांग को लेके आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं इतने लोग, और हमने अपना ज्ञापन भी सौंपा है। इसके पूर्व में हमने माननीय सांसद महोदय जी उनसे भी भेंट की, उन्हें भी अपनी समस्या से अवगत करवाया, और हमारे जो परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय जी हैं इनको भी हमने इस समस्या से अवगत करवाया, और एक दो बार उनको हम लोगों ने अपना आवेदन निवेदन भी किया इस मांग को लेकर जो हमारी अति आवश्यक मांग है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।